हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। आज मैं आपको चाबहार पोर्ट से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा और यह भी बताऊंगा कैसे भारत की गलती से और चाइना के हैवी प्रेशर से जो वो ईरान पे डाल रहा है, उससे कैसे भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस मुश्किल में पड़ सकता है। देखो, चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट में से एक है, क्योंकि इसका लोकेशन ऐसे जगह पे है जहां से हम ईरान से होके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंच सकते हैं बिना पाकिस्तान को क्रॉस किए। देखो, यह तो पक्का है कि हम पाकिस्तान पे किसी भी चीज पे ना ही डिपेंड रहे तो ज्यादा बेटर है। वो छोटे छोटे बात को लेके इंडियन एयरलाइंस तक को बैन कर देता है अपने एयर स्पेस में गुजरने से, तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे होने देगा, ये सोचने वाली बात है। भारत तो चाहता है कि चाबहार पोर्ट पूरे तरह से ऑपरेशनल मोड में आ जाए और भारत को एयर रूट की जगह सी और रोड लिंक मिले। आप खुद इस मैप में देखो कि भारत को ना सिर्फ अफगानिस्तान तक एक्सेस मिलेगा बल्कि इसे तुर्कमेनिस्तान से होके सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट कर सकते हैं और टर्की होके यूरोप तक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। रशिया, इराक और सीरिया तक भी हम पहुंच सकते हैं इस रूट के थ्रू। आप खुद सोचो कितना ज्यादा ईरान का यह पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हमारा एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाएगा। देखो, चाइना भी समझता है कि यह रूट इंडिया को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बराबरी का टक्कर दे सकता है और चाइना इसे बर्बाद और डिले करने के लिए कुछ भी करेगा। आप जानते हैं चाइना सीपीईसी के थ्रू ग्वादर में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है जो चाबहार पोर्ट के पास ही है, और चाइना यह कतई नहीं चाहता कि भारत का एक्टिविटी इतने पास में हो और वो हम पे नजर रखे। उसके लिए चाइना ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है। कुछ समय पहले ही चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का डील किया है, वो भी 25 साल के लिए। ईरान सालों से अमेरिका का प्रतिबंध झेल रहा है, ईरान से कोई ज्यादा तेल नहीं खरीदता, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान के लिए बहुत मायने रखता है। जब से यह चाइना ईरान का डील हुआ है जिसमें चाइना $120 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी $280 बिलियन पेट्रोकेमिकल, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ साथ 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल भी डिप्लॉय करेगा चाइना अपने प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाइना का ईरान पे प्रेशर साफ दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रेल लाइन जो हमें अफगानिस्तान होके सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता, जो चाबहार पोर्ट से जहादैन तक जाता है, यह प्रोजेक्ट पे ईरान और भारत में 4 साल पहले डील हुआ जिसे 2022 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अमेरिका के ईरान पे सैंक्शन के वजह से भारत इसे स्टार्ट नहीं कर पाया। वैसे आप देखो तो भारत के बहुत रिक्वेस्ट पे चाबहार पोर्ट को सैंक्शन से बाहर रखा गया है। वहां से अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ईरान एंड अफगानिस्तान के साथ। अब ईरान ने यह डिसीजन लिया है कि वह खुद अपने ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से $400 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। वैसे ईरान गवर्नमेंट ने बाद में क्लेरिफाई किया कि हमने इंडिया को ड्रॉप नहीं किया है, इसमें भारत के लिए रास्ता खुला है अभी भी। लेकिन यह सब एक चीज साफ करता है, अगर भारत अमेरिका के दबाव में आके इसी तरह काम को डिले करते रहेगा तो ईरान वह सब प्रोजेक्ट में चाइना को इन्वॉल्व कर लेगा जिसमें इंडिया का कंट्रोल और इंडिया का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था और जिसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट है भी। भारत के पास तो फिलहाल अभी यही ऑप्शन है कि वो इस साल के अंत तक अमेरिका में होने वाले इलेक्शन का वेट करे, उसके बाद कोई ना कोई यूएस और ईरान के बीच डील होगा ही, तो उसके बाद कुछ सैंक्शन में रिलीफ मिले ईरान को तो इंडिया फिर से काम स्टार्ट कर पाए। ईरान भी समझता है भारत उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे तरह से भारत को वो कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।